चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको करनाल से बता दें, सोकड़ा गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। तो सोकड़ा गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। करनाल से ये खबर, हादसे में दो लोगों की मौत भी हुई है, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इसके साथ ही हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोगड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार, जिस तरह से इस गाड़ी को रौंदा गया, हादसे में दो लोगों की मौत भी हो गई। कमरजीत सिंह वेर के हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमरजीत, क्या था पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, अगर बात करें तो देर रात का ये मामला है। करनाल ये त्रावड़ी से सौंपड़े की तरफ में जो लोग जा रहे थे, एक बाइक पर तीन लोग सवार थे और जा रहे थे, रुकते नहीं है। एक जो आजकल गेहूं का सीजन चल रहा है, किसान अपनी गेहूं लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, और ऐसे ही रस्ते में एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसमें कहीं ना कहीं पंचर हो गया था, वो खड़ी हुई थी। और ऐसे ही बाइक सवार तीन लोग मजदूरी करने के लिए त्रावड़ी मंडी में डेली जाते थे, और इधर से आ रही एक गाड़ी ने उनको कुचल दिया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल देखना यह है कि जो गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी वाला है, भाग चुका है, तो पुलिस ने कब तक उसको गिरफ्तार करती और क्या उसके खिलाफ मामला दर्ज करते। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में दो लोगों की जिंदगी चली गई है। कमर जी, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि जो गाड़ी थी वो काफी स्पीड से आ रही थी। बिल्कुल, वो जो सड़क है, रूरल सड़क है, अंदर से सड़क जाती है और कम चौड़ाई में वो सड़क बनाई गई। एक तरफ जब किसी सड़क की जो ट्रैक्टर ट्रॉली था वो पंचर हो गया था, खड़ा हुआ था, और गाड़ी वाला काफी तेज गति में आ रहा था कि वो आगे से आमने सामने की टक्कर हुई प्रत्यक्ष से उनके मोटरसाइकिल के, और इसके साथ काफी दूर तक जो वहां पर लोग थे उनका यही कहना था कि इतना बुरा एक्सीडेंट हमने नहीं देखा जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है। पता नहीं किस वजह से कार वाले ने क्या नशा कर रखा था, क्यों था ऐसे इतने स्पीड से आया और इनको आमने सामने की टक्कर में, जिसमें दो लोगों की मौत होगी, एक का अभी भी इलाज चल रहा है। जी, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस हादसे को लेकर? देखिए, अगर बात करें पूरे मामले को लेकर, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर ले लिया और उसका पोस्टमार्टम करवा रहा है। उसका यही कहना है कि पूरे मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से जो लोग चलेंगे वो वापस नहीं आएगा, इतना जरूर है कि जो पीछे वाले लोगों को उनको जरूर संतुष्टि होगी कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए कमरजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी कमरजीत जानकारी विस्तार से दे रहे थे। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।